नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बहुत डरावना है इस गांव का इतिहास। जानेंगे तो हो जाएंगे रोंगटे खड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरीके की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। भारत में रहस्य और रोमांच की कमी नहीं है। चाहे धार्मिक हो या किसी जगह की बात हो, कोई ना कोई कहानी और रहस्य छुपा रहता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास बेहद अनोखा और रोमांच से भरा रहा है, जिसमें कई कहानियां भी सुनने को मिलती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी ऐसी ही जगह पर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? राजस्थान के जैसलमेर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गाँव देखने में आम गाँव की तरह है, लेकिन इसकी कहानी रहस्यमयी है। इस गांव के बारे में कहते हैं कि ये रातों रात शमशान घाट में तब्दील हो गया, और इसका कारण एक खूबसूरत लड़की थी। इस लड़की की खूबसूरती ने सिर्फ उनके परिवार वालों को ही नहीं बल्कि पूरे 84 गांव को रातों रात बर्बाद कर दिया। बता दें कि भारत में इस गांव को सबसे डरावना गांव कहा जाता है। सरकार ने कई बार कोशिश की कि यह गांव फिर से बस जाए, लेकिन सरकार की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। कहते हैं कि कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है कि इस गांव में रहने वाले लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। इसके पीछे की कहानी, यह गांव बहुत ही डरावना है। कहते हैं कि इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का डेरा हुआ करता था, लेकिन अब इस गाँव को श्रापित मानते हैं। इस गांव में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके कारण यह गांव भानगढ़ के किले की तरह अचानक ही एक रात में वीरान हो गया था। वहीं बाद में आज तक इस गांव में कोई वापस नहीं गया है। पालीवाल ब्राह्मणों के पूर्वजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से जुड़ा था। इज्जत के लिए छोड़ दिया गाँव। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इनके पुरोहित हुआ करते थे। कहते हैं कि साल 1291 से 1391 के आसपास पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के 600 घर गांव में थे। कुलधरा के आसपास 84 गांव और भी थे जहां पर पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण काफी मेहनती थे। वैज्ञानिक तौर पर भी यह लोग काफी अधिक बुद्धिशाली था। कुलधरा के गांव के मकान आज भी इस तरीके के बने हुए हैं कि यह गांव गर्मियों में भी अंदर से ठंडे रहते हैं। एक बार पालीवाल ब्राह्मणों पर वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक लड़की पसंद आ गई थी और वह उस लड़की को हर किसी कोशिश में पाना चाहता था। पालीवाल ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि सालम सिंह उनकी बेटी से शादी करे या जोर जबरदस्ती करे। अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में एक ही रात में यहाँ से घर छोड़कर चले गए थे। एक ही रात में कुलधरा का यह गांव पूरी तरीके से खाली हो गया था। जाते जाते पालीवाल इस गांव को कभी ना बसने का श्राप देकर गए थे, और यही कारण है कि यह श्राप आज तक चलता हुआ नजर आ रहा है। ब्राह्मण काफी बुद्धिजीवी होते थे। वैज्ञानिक आधार के ऊपर यह अपने काम किया करते थे। कुलधरा गांव का निर्माण भी काफी अधिक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हुआ है। यहां पर कभी भी पानी और हरियाली की कमी नहीं होती है। बता दें कि इस गांव में आज भी पानी की कमी नहीं है, धरती के नीचे काफी पानी है। कुलधरा के गांव में रात में रुकना इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। यहाँ पर कई तरीके की एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है, जिनसे यह साबित होता है कि यहाँ पर आत्माओं का राज है। यह गांव निश्चित रूप से बाहर की दुनिया से काफी अलग है। कुलधरा गांव में कई बाबाओं की कहानियां विख्यात है। बोला जाता है कि रात को यहां पर एक दूध बांटने वाला बाबा आता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। तो कोई कहता है कि रात में यहां पर पायल और चिल्लाने जैसी आवाज आती है, लेकिन कुलधरा गाँव के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, इसका सच आज तक कोई भी नहीं जान पाया है।